डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, क्या करूं? सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन सो दैट यू नेवर मिस एन अपडेट फ्रॉम बेबीनामा चाइल्ड केयर। नमस्ते, मैं डॉक्टर सुमित्रा, आपका मेरे चैनल बेबीनामा चाइल्ड केयर में स्वागत करती हूं। तो आज हम बात करेंगे कि एक दो साल के बच्चे को खाने में क्या क्या देना चाहिए और आप उसमें क्या क्या ध्यान रख सकते हैं ताकि बच्चे को पूरा न्यूट्रिशन मिले। ऐसी क्वेरीज, बच्चे से रिलेटेड क्वेरीज अगर आपको पूछना है तो आप हमारे व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहाँ से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले जो क्वेरी होती है पेरेंट्स की कि डॉक्टर साहब मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, क्या करूँ? तो उसका रीजन क्या क्या होता है बच्चे का खाने का, उस पर एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। अगर आपको लिंक नहीं मिले तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके। सेकेंड जो क्वेरी होती है कि बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो उसको हम कैसे खिलाएं, तो उसका भी एक अलग से वीडियो है कि आपका बच्चा अगर खाना नहीं खाता है तो वो सारे टिप्स आपको उसमें वीडियो में मिल जाएंगे, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज इस वीडियो में मैं कुछ टिप्स बताऊंगी जो आपको ध्यान में रखने हैं ताकि आपके बच्चे को न्यूट्रिशन पूरा मिल जाए। ठीक है, तो दो साल का जो बच्चा होता है वो फुल टोडलर होता है, मतलब उसको एक तो है कि उसको खुद का सेल्फ डिपेंडेंसी चाहिए कि वो खुद करेगा, जो भी करेगा वो खुद करेगा। सेकंड चीज़, उसमें टेंट्रम थ्रो करने की एज है कि वो हर चीज़ अपनी आदत से मनवाना चाहेगा। ठीक है, थर्ड थिंग कि अगर वो पिकी ईटर है तो बहुत ही मुश्किल है उसको कुछ खिला पाना, क्योंकि उसको ऑलरेडी वो टेस्ट डेवलप हो चुका है और उसको जो टेस्ट डेवलप नहीं हुआ वो नया खाना ट्राई नहीं करेगा। ठीक है, और फोर्थ थिंग ये एज होती है पॉटी ट्रेनिंग और जो हम करवाना शुरू करते हैं तो उससे भी बच्चा इरिटेट होता है। फिफ्थ थिंग जो होती है कि बच्चा खेलने में ज़्यादा ध्यान लगाने लग जाता है इस टाइम, तो उससे अगर हम डिस्ट्रैक्ट करते हैं, खाना खाने के लिए बुलाते हैं या खाना खाने के लिए बोलते हैं तो वो इरिटेट हो जाता है कि नहीं मुझे खेलना है। ठीक है, तो ये चार पांच चीज़ें हैं जो जनरल जो जेन्युइन प्रॉब्लम होती हैं बच्चे की, तो उसी की तरफ हमें ध्यान देना है। ठीक है, तो सबसे पहला टिप जो होता है कि न्यूट्रिशन का सबसे सही ध्यान रखना है हमें, क्योंकि इस एज में बच्चे बहुत कम खाना खाते हैं और उनका स्टमक भी बहुत छोटा होता है। इस साइज़ का स्टमक होता है, जस्ट मुट्ठी के जितना स्टमक, तो उसमें कितना खाना जाएगा। ठीक है, तो खाना बहुत कम खाते हैं और ग्रोइंग एज है तो हमें न्यूट्रिशन का बहुत ध्यान रखना है। तो आप क्या कर सकते हैं खाने में, खाने में आप उसको जितना खाना वो खाता है उसको कैलोरी डेंस बना सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा उसका हाई एनर्जी क्वोशेंट बढ़ा दो ताकि वो जितना भी खाए उससे उसको उतना रिक्वायर्ड कैलोरी मिल जाए। ठीक है, तो जैसे हाई एनर्जी डेंस बनाने के लिए आप उसमें बादाम का चूरा डाल सकते हैं, ठीक है, घी डाल सकते हैं, बटर डाल सकते हैं, ठीक है, ऑलिव ऑयल डाल सकते हैं। ऑलिव ऑयल बहुत अच्छा सोर्स होता है न्यूट्रिएंट्स का भी और रेसिपी। ठीक है, सेकेंड थिंग जो आपको करनी है वो करनी है कि उसको सेल्फ फीड करना किया जाए, क्योंकि इस एज में बच्चे सब अपने खुद से खाना चाहते हैं और हम पेरेंट्स सोचते हैं कि नहीं, ये खुद से इतना अच्छे से खाएगा नहीं, फैला देगा तो हम खुद से खिला दें। नहीं, बच्चे को खुद से खाने की आदत है तो उसको चेयर में बिठाइए, जो भी आपकी फीडिंग चेयर है या फिर कोई सी भी चेयर है उसको बिठाइए, वहाँ पर खाना दीजिए। मैस करता है तो करने दीजिए, अगर वो पूरा ख़राब करता है खाना तो करने दीजिए, कोई बात नहीं, उससे वो खाना ही सीखेगा। ठीक है, थर्ड थिंग जो आपको करनी है कि फैमिली के साथ खाना खाने देना है। ठीक है, तो जो बाकी लोग खा रहे हैं तो उसको देख के हेल्दी आदतें डेवलप होती हैं, तो बाकी लोग खा रहे हैं तो उसको देख के बच्चा भी खाना खाएगा। ये बहुत कॉमन होता है, मेरा बेबी खाता नहीं था घर पे, तो जब वो स्कूल जाने, मतलब अभी प्ले स्कूल में डाला है उसको, तो प्ले स्कूल में बच्चों को देख के वो खाना खाता है। तो अगर और भी बच्चे हैं आपकी फैमिली में तो उन सबको साथ में बिठा के खाना खिलाइए, तो वो कॉम्पिटिशन में अपने आप ही खा लेगा। ठीक है, फोर्थ थिंग जो आपको करनी है टू ईयर पे, वो दो स्नैक्स ज़रूर देने हैं, एक जब भी ब्रेकफास्ट और लंच के बीच का स्नैक और लंच और डिनर के बीच का स्नैक। तो स्नैक्स में आप बहुत सारी चीज़ें दे सकते हैं, फ्रूट्स दे सकते हैं, चीला दे सकते हैं, चीला में बेसन चीला जो दाल वगैरह होती है उसको पीस के अगर आटा बना तो उसका चीला, स्प्राउट्स दे सकते हो, फ्रूट्स दे सकते हो। जो 11 बजे वाला स्नैक होता है उसमें यूजुअली मैं फ्रूट्स ट्राई करती हूँ, मतलब फ्रूट्स देती हूँ अपने बेटे को। ठीक है,
तो ये चीज़ आप कर सकते हो। उसके बाद एक दो चीज़ें और हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक्चुअली बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं वो कई बार होता है कि दूध ही दूध पिलाते रहते हैं बच्चे को, तो दूध से क्या होता है, ज़्यादा दूध से बच्चा कॉन्स्टिपेशन हो जाता है और भूखी मिलती बच्ची से, ठीक है। तो एक मिथ है कि दूध बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। दूध को आप, अगर बच्चा दही पसंद है तो दही दे सकते हो, ठीक है, या फिर और कोई भी प्रोडक्ट उसको डेयरी वाला पसंद है, छाछ है तो छाछ दे दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कि और दूध में आप सुबह एक ग्लास और शाम को एक ग्लास ही दीजिए, उससे ज़्यादा दूध 2 साल के बच्चे को देना सही नहीं होगा, क्योंकि उससे क्या होगा कि कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगा बच्चे को और भूख भी कम लगेगी, ठीक है। तो ये 3-4 टिप्स हैं। उसके अलावा आपको अगर जैसे कई बार होता है कि पेरेंट्स पूछते हैं कि हमें हेल्दी ड्रिंक्स जो बॉर्नविटास है, हॉर्लिक्स वगैरह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो उसका मैं आपको एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। बट उसके बजाय आप जो घर पे हेल्दी ड्रिंक्स होती हैं, सत्तू हो गया जो अभी गर्मियों में अवेलेबल भी है, तो सत्तू का पानी दे दिया या फिर छाछ लस्सी बना दी वो दे दिया, ये और बादाम और वो सारे ड्राई फ्रूट्स करके मिक्स बना दिया, तो उसको मिक्स करके दूध में करके वो दे दिया, तो बहुत सारे तरीके हैं। तो हेल्थ, और अगर आपको हेल्थी ड्रिंक्स ही देनी है जो हॉर्लिक्स बॉर्नविटा, तो उसमें भी आपको बताऊँगी कि कैसे चूज़ करना चाहिए, वो आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। अब आपको 2 साल के बच्चे को क्या नहीं देना चाहिए, अब ये जो चीज़ें हैं वो सभी बच्चे को नहीं देनी चाहिए, बट हाँ 2 साल के बच्चे में क्या खाने में नहीं देना चाहिए, उसमें है कि जंक फूड नहीं देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इस एज में जंक फूड खाने की बहुत वो होती है, क्योंकि नई ट्राई करने की वो इच्छा होती है बेबी को, तो पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, चाउमीन हो गया, ये सब चीज़ें जंक फूड नहीं देना है। कोल्ड ड्रिंक्स नहीं देनी है, बहुत ज़्यादा स्वीट नहीं देना है, और कैंडीज़, कुकीज़, बिस्किट, चिप्स वगैरह ये सब चीज़ें नहीं देनी है बच्चे को, ठीक है, क्योंकि ये सब नुकसान करती हैं। अब कई बार होता है कि पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि बच्चा खाना ही नहीं खाता है कैसे करें, तो फोर्स नहीं करना है बच्चे को। अगर बच्चा एक बार में नहीं खा रहा है खाना, तो उसको स्मॉल स्मॉल मील में आप ब्रेक करके दे सकते हो, और बट 3 मील और 2 स्नैक्स तो आपको देनी ही है, ठीक है। अब डॉक्टर को कब आपको कंसल्ट करना चाहिए, तो कुछ चीज़ें हैं कि बच्चा बिल्कुल ही नहीं खा रहा है, उसको भूख नहीं लग रही है, उसका वेट लॉस हो रहा है, या फिर उसको और भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, पेट दर्द बता रहा है, पेट दर्द कई बार कीड़े की वजह से होता है, वार्म इन्फेस्टेशन की वजह से, या फिर पेट फूल रहा है, बच्चा सूखा जा रहा है, बहुत लंबी खांसी हो जा रही है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनमें भूख लगने के साथ साथ अगर हो तो तुरंत आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो ऐसी ही कोई आपकी और क्वेरी हो तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो हमारा, और अगर आपको ऐसे टिप्स चाहिए पेरेंटिंग, चाइल्ड हेल्थ और मदर हेल्थ पे, तो आप हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन करिए, लिंक नीचे दिया हुआ है, ठीक है। और टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।